हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपशिष्ट जल। इस अध्याय में दोस्तों हम जानेंगे कि अपशिष्ट जल क्या होता है और क्या हम अपशिष्ट जल का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम किस प्रकार से अपशिष्ट जल का इस्तेमाल दोबारा करेंगे, उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि जल एवं आवश्यकता को, कि जल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम उसको समझेंगे। फिर हम अपशिष्ट जल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अपशिष्ट जल प्रबंधन को जानेंगे और फिर आखिरी में हम अपशिष्ट जल का प्राथमिक उपचार को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी जीव के जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है, जिसका उपयोग हम पीने, खाना बनाने, बर्तन साफ करने इत्यादि में करते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में स्वच्छ जल की आवश्यकता कम हो रही है, जिसका कारण विश्व में बढ़ती जनसंख्या, जल प्रदूषण है। और भी इसके कई सारे कारण हैं, पर ये दो कारण मेन हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। अब दोस्तों, हम सभी लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, जल को हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और जो भी जल इस्तेमाल करने के बाद बचता है उसको हम बहा देते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि किन किन कार्यों उपरांत दूषित जल घरों से बहा दिया जाता है? घरों के अलावा यह दूषित जल और कहाँ से निकलता है, तथा ये दूषित जल क्या कहलाते हैं? ये जो दूषित जल होते हैं, इन्हें ही हम अपशिष्ट जल कहते हैं। तो ये दूषित जल कई सारे फैक्ट्रियों द्वारा और कई सारे इंडस्ट्री द्वारा भी उत्पन्न होता है। अब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि यह दूषित जल जाता कहाँ है, यह हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है, क्या हमें इसे व्यर्थ में बहा देना चाहिए, यदि नहीं तब उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम इस अध्याय में विस्तार से समझेंगे। अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाए जाने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोतों से छोड़ने से पहले प्रदूषणों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल का यह उपचार का प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। अब दोस्तों, ये वाहित मल हमारे घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों इत्यादि से निकलते हैं। यह वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं, और इन दूषित पदार्थों को हम संदूषक कहते हैं। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। अब दोस्तों, मैं आप सभी से यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप सोच कर बताइए कि ये संदूषक कौन कौन से हो सकते हैं जो कि किसी भी जल को खराब या उसको इस्तेमाल करने लायक नहीं बनाते हैं, उसको वो अपशिष्ट जल बना देते हैं। हाँ दोस्तों, इन संदूषकों में निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां होती है। इसमें पोषक तत्व, मृत जीवी, रोगवाहक जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, और अगर वो जल में आ जाए या वो पर्यावरण की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है तो वो अपशिष्ट जल बना देती हैं। अब दोस्तों, इस जल से वाहित होने वाले मल कच्ची नालियों से होते हुए विभिन्न पेयजल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे कि वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है और उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा हो सकते हैं
जो कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण बनते हैं। वाहित मल प्रतिदिन कई स्रोतों द्वारा बाहर निकलते हैं। शहरों में इन्हें भूमि के अंदर पाइपों द्वारा सीधे जल स्रोतों में प्रभावित किया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है। सीवर के ऊपर होल होते हैं जहां से हम इनकी सफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इन जलीय कचरों को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले इन्हें उपचारित किया जाता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हो जाती है। इनमें से जो सबसे पहला चरण है उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। और दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह जगह पर पंप हाउस में एकत्रित किया जाता है। इसे पुनः संयंत्र यानी कि सीवेज प्लांट तक लाया जाता है। यहाँ बने हुए लोहे की जालियों में मोटे कचरे जैसे कि कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़ों को छानकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बचे हुए जल को अवसादन टैंक यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है। और दोस्तों, इस सेडिमेंटेशन टैंक में ये अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ कहा जाता है। इस कीचड़ को अपघटित किया जाता है सूक्ष्म जीवों की मदद से, जिसका उपयोग बायोगैस तथा उर्वरक, जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने दोस्तों जाना कि जल और उसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है, अपशिष्ट जल क्या है, अपशिष्ट जल के प्रबंधन को हमने समझा, और हमने आखिरी में अपशिष्ट जल का प्राथमिक उपचार की प्रक्रियाओं को जाना। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम अपशिष्ट जल का द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार को समझेंगे। फिर हम घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को जानेंगे। जागरूक नागरिक बने इस बारे में हम पढ़ेंगे। स्वच्छता की कमी और रोग को हम समझेंगे। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, और आखिरी में हम सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता को भी जानेंगे। तो इन सभी बातों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।